झारखंड में पूर्व कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी की मृत्यु के बाद से खाली चल रही मधुपुर विधानसभा के लिए उपचुनाव की घोषणा हो गई है। वहां 17 अप्रैल को विधानसभा का मतदान होना है। इस चुनावी जंग में कौन जीतेगा इसका पता 2 मई को चलेगा, लेकिन प्रत्याशियों के बीच होने वाले इस चुनावी जंग में से पहले अभी से ही गठबंधन के घटक दलों के बीच किस पार्टी का उम्मीदवार हो इसकी लड़ाई अभी से ही देखने को मिलने लगी है। इस उपचुनाव को लेकर सत्तारूढ़ महागठबंधन के घटक दलों के बीच अपने दल का प्रत्याशी उतारने को लेकर एक दूसरे को पटखनी देने की तैयारी चल रही है। मधुपुर विधानसभा के उपचुनाव में महागठबंधन की तरफ से आरजेडी अपने दल के उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारने का पूरा मन बना चुकी है। पार्टी ने संगठन स्तर पर ऐसा निर्णय लेकर इसे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पास भेज दिया है ताकि महागठबंधन के अन्य दलों को इसके लिए मनाया जा सके। कार्यकारिणी की जो बैठक हुई जी, और बैठक में हम लोगों ने एक प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव पास करके हमने राष्ट्रीय नेतृत्व के मन के पास देने का काम किया है। इस पर निर्णय लेना राष्ट्रीय अध्यक्ष को है। निर्णय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे, लेकिन आप लोगों ने क्या ये लिख करके दिया है वहाँ का चुनाव लड़ेंगे? देखिए अभी इस पर कोई जब तक हम आप लोगों की मनसा क्या है जिस पर निर्णय लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष? राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात होने के बाद ही हम कुछ कर सकेंगे। मधुपुर विधानसभा के चुनाव की घोषणा होने के साथ ही अब यहाँ की राजनीति फिर से एक बार गर्माने लगी है। आम लोगों की में तो यह गर्माहट थोड़ी कम पहुंची है, लेकिन पहले अभी राजनीतिक दलों के बीच ही ज़्यादा गर्माहट पहुँचेगी इस बात को लेकर के कि NDA भाजपा के गठबंधन है उसका प्रत्याशी जीतेगा या महागठबंधन जिसमें हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार का कोई प्रत्याशी जीतेगा। असल अब अपने में भी एक प्रकार से चुनाव जीतना पड़ेगा कि किस पार्टी का उम्मीदवार मधुपुर से चुनाव लड़ेगा, क्योंकि हर एक राजनीतिक पार्टी अभी से ही इस दाव में लगा हुआ है कि उसके गठबंधन के दूसरे पार्टी उससे चुनाव न लड़े बल्कि उनकी पार्टी का कोई उम्मीदवार वहाँ से चुनाव लड़े। अब इसमें सफलता किसको मिलेगी, गठबंधन टूटेगी, गठबंधन नए बनेंगे, क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार।